जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत ह्यूम पाइप बस्ती के किशोरी नगर में रविवार को पति पत्नी के बीच हुए खूनी टकराव के बाद बस्ती में सनसनी फैल गई है। पति पत्नी दोनों ने एक दूसरे पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। हमले में दोनों पक्ष के लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि पति ललित प्रधान और पत्नी इति प्रधान के बीच वर्षों से विवाद चल रहा था। दोनों एक दूसरे से अलग रहते थे। दोनों का आरोप है कि उन्हें एक दूसरे से जान का खतरा है। पति का आरोप है कि रविवार को उसकी पत्नी 20-25 गुंडों के साथ घर पर पहुंची और घर में रखा सारा कीमती सामान लेकर चलते बनी। विरोध करने पर झूठा मामला गढ़ उसे फंसाने थाना पहुंच गई। पहले हमने थाना में रिसीव किए थे, लेकिन रिसीव कर नहीं रहा था थाना। मेरा बीवी मेरे को धमकी दिया कि मैं घर से सारा सामान उठा लूंगा, आपका बैंक में 6 लाख रुपए लोन पास मेरा हुआ है, उसका 12,500 तक भरना है। तो हमने कहा कि क्यों भरे हम। उसके बाद वो बोला कि बिजनेस मेरा नाम में दे दो। तो हम क्यों देंगे तुम्हारा नाम में बिजनेस, ये 3 क्वेश्चन था। तो उसके बाद आज सुबह अचानक कम से कम 20 से 40 आदमी लेके आया और घर में घुस गया। घर का ताला सब शॉप में पूरा ताला वाला था, पूरा तोड़ के AC, उसके बाद आपका फ्रिज वगैरह जितना सामान था, बैठे करीब 12.5-14 लाख का सामान था। सोफा था, डाइनिंग टेबल था, AC था, सब लेके चल गया घर में। अलमीरा और केक हाउस का जितना बेकरी का सामान था करीब 12.5 लाख का, ठीक है, वो सब लेकर चल गया। ताला तोड़ते जा रहा, लेते जा रहा सब, पूरा ताला तोड़ने का जुगाड़ बैठा। वाइफ आपके साथ नहीं रहते थे? नहीं। क्यों नहीं रहते थे? परसों चली गई, अपने से चली गई कि मेरे को चाहिए। वो इंस्टाग्राम और वगैरह में वीडियो वगैरह बनाती थी, तो हम उसका ऑब्जेक्शन करते थे। मोबाइल उसको लॉक करके रखा हुआ था, हम बार बार बोलते थे कि मोबाइल लॉक करके रखना है। वो बोला हम दुकान खोलेंगे दूसरा जगह, अपना माँ का घर में। तो हम बोले तुम अपना दुकान खोलो, हमको का मतलब, हम नहीं जाएंगे वहाँ। इसी बात पे झगड़ा चल रहा था। इधर पत्नी का आरोप है कि उसके पति का दूसरी महिला के साथ नाजायज संबंध है। इसकी जानकारी मिलने पर उसका पति उसे और उसकी बेटी को प्रताड़ित करता है। रविवार सुबह जब वह अपने घर पर पहुंची तो उसके पति ने चापड़ से उस पर हमला कर दिया। क्या बोल रहा है कि तुम घर से दोनों बच्चा लेके निकल जाओ, मेरे को शादी करना है। अपना डिवोर्स मैट्रिमोनिया में वो ऐड भी देके रखा है, उसका लड़की का प्रपोजल भी आया है। वो क्या हुआ पता नहीं, मेरा मेल आईडी पे आया बोल के हम देखे, उसका हम स्क्रीनशॉट भी रखे हैं। वो बोलता है ना तुमको हम डाइवोर्स भी नहीं देंगे, तुम अपना साइड से डाइवोर्स अप्लाई करो ताकि हम तुमको फंसाएंगे। हम तुमको कुछ सामान भी नहीं देंगे, तुम बच्चा तो लेके निकलो। तो हम बोले हम बच्चा लेके कहाँ भीख मांगे रोड में बैठ के। मेरा मम्मी का भी ऐसे परिस्थिति नहीं है कि वो मेरे को देख ले। तो फिर क्या हुआ, 3 दिन पहले वो मेरे को घर से मेरा और मेरा बच्चा को निकाल के पूरा जितना घर था ताला मार दिया। हम उसका आवेदन लेके थाना भी आए, थाना में यही बोला गया कि आप कोर्ट से आवेदन कीजिए। अगर हम अभी कोर्ट से आवेदन करने जाएंगे तो हम तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, हम 2 साल कैसे कोर्ट में केस लड़े। वो तो मेरे को बोलता है कि तुम जाओ कोर्ट, तुमको इतना झेला देंगे कि तुम मेरा कुछ तुम्हारा सामान नहीं रखेंगे, सब जला देंगे, सब फेंक देंगे, लेकिन तुमको हम जीने नहीं देंगे। इधर महिला की सास ने भी महिला को गलत बताते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। एक घर छोड़ के 8-10 दिन हो गए, बार बार सामान ले जाता बाप घर। तो हम इतने बोले तुम काहे बाप घर भागता है, तो बोलता हम भागेगा इसका सब नहीं देंगे। ठीक है चल गया, और आज गुंडा पार्टी लेके सब तोड़ ताड़ भांग पूरा आपके लिए ना देखा है, तोड़ ताड़ सब सामान बाप घर भेज के थाना आ गया। कितना उल्टा है गुंडा पार्टी। बेटा के साथ मारपीट भी किया है? हाँ हाँ, जब तक मारपीट हुई मार के टेम्पू में लाद के कहाँ बेच छोड़ के आ गया। अच्छा। हम खोजने नहीं गया बेटा को, हम बड़ा बाबू का है, परसों दिन आके बड़ा बाबू को हम बोल थाना में बोल की गई। तो क्या बहू आपके साथ रहना नहीं चाहती है? नहीं। क्यों नहीं रहना चाहती है? 3 बार हो गई। तो क्यों नहीं रहना चाहती है? अभी बोल रहा कि दुकान मेरा माँ का वहाँ खोलेगा, हम घर में नहीं खोलेगा। पुलिस इस पारिवारिक विवाद को सुलझाने में जुट गई है। दोनों पक्षों की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा। पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।